हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दीप ब्रदर्स। दिस इज कुलदीप एंड आकाशदीप। आज हम दोनों भाई यामा का सबसे नया और अपकमिंग बाइक जो है कि FZ25, जो कि यामा ने अपना होम पेज में डाल दिया है, अपडेट दे दिया है, उसके डिटेल्स हम बताएंगे आपको। लाइक शेयर कमेंट कीजिए, हमारा वीडियो को सपोर्ट कीजिए बेल आइकन क्लिक करके, एंड स्टे ट्यून्ड। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला आता है FZ25 का, दो कलर्स होता है, और FZS25 का तीनों कलर्स के साथ आता है। तो कौन सा कलर है FZS और FZS का, वो हम डिस्क्राइब करते हैं आपको। आप देख ही सकते हैं कि पहला वाला कलर है रेसिंग ब्लू, जो कि FZ25 है। इसका जो नेक्स्ट कलर है ये है मेटलिक ब्लैक। देन आता है FZ25 का, जो कि है डार्क मैट ब्लू। और अभी आता है उसका नेक्स्ट जो कलर है वो है वाइट वर्मिलन। और नेक्स्ट जो कलर है, जो लास्ट कलर है, वो है प्लैटिना ग्रीन। ये सिर्फ पांचों कलर में आता है ये बाइक। अब देख ही पा रहे हैं हम सब के सब पिक्चर डाल दिए हैं इसमें। अब नेक्स्ट हम जो डिस्कस करने वाला है इसका इंजन। ये जो इंजन है ये है एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक SO8C 2-वाल्व 249cc का है, जो कि 28.8 हॉर्स पावर जनरेट करता है एट 8000 RPM और 20.1 Nm ऑफ टॉर्क। मैक्सिमम टॉर्क वो जनरेट करता है 6000 RPM। ये जो पावर आप देख पा रहे हैं ये थोड़ा सा ही ज़्यादा हुआ है पिछला वाला वर्जन में। यह BS6 में थोड़ा सा ही पावर एक्स्ट्रा दिया गया है। यह फ्यूल इंजेक्टेड बाइक है, जो कि पहला वाला कार्बोरेटर था। अभी यह फ्यूल इंजेक्टेड पहला वाला कार्बोरेटर था अभी यह BS6 में फ्यूल इंजेक्शन है। अभी आता है सबसे बड़ा चेंज, जो कि यामा ने किया है, उसका बाई फंक्शनल LED हेडलाइट विथ LED डे टाइम रनिंग लैम्प, जो कि आपका दिन में भी तो LED हेडलाइट जलाया रहेगा। और उसका जो LED विजिबिलिटी था पहला वाला वर्जन में वो बहुत लो था और क्लियर नहीं होता था, इसलिए नाइट विजन उसका ज़्यादा क्लियर हो गया है, ज़्यादा एम्प्लीफाई हो गया है और बहुत विजिबिलिटी बढ़ गया है। अभी आता है नेक्स्ट चेंज जो यामा ने किया है, इसका जो विंड वाइजर है, जो कि आप देख ही पा रहे हैं ये बहुत साइज़ में बड़ा कर दिया गया है, और ये बहुत स्टाइलिश भी दिखता है और विंड ब्लास्ट को मिनिमाइज़ करेगा आप जब हाईवे में ट्रैवल करेंगे हाई स्पीड में। नेक्स्ट आप तो देख ही पा रहे हैं इसका ब्रश गार्ड, जो कि पहला वाला मॉडल में नहीं दिया गया था, इस मॉडल में यामा वो प्रोवाइड कर रहे हैं हम राइडर्स को ये ब्रश गार्ड, जो कि बहुत स्टाइलिश भी दिखता है और बहुत प्रोटेक्टिव भी है। अभी जो नेक्स्ट चेंज है इसका मल्टीफंक्शनल नेगेटिव LCD इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर, जो कि बहुत आसानी से आपको दिखाई देगा और विजिबिलिटी होगा जितना भी अंधेरा हो या जितना भी डे लाइट में हो, आपको दोनों में आपको बहुत सारा फंक्शंस भी दिखाई देगा। और ये बहुत सारा अपडेट्स भी लेके आ रहा है नया इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर, जो कि विजिबिलिटी बहुत अच्छा होने वाला है। नेक्स्ट जो चेंज किया गया है उसका अलॉय, जो कि गोल्डन कलर का है, जो कि पहला मॉडल्स में ब्लैक कलर की आता था, अभी वो गोल्डन कलर है, जो कि रोड अपीयरेंस या आपको दिखने को बहुत अच्छा लगेगा। अब जो नेक्स्ट है वो है साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ स्विच, जो कि यामा ने इंस्टॉल कर रहा है ईच एंड एवरी स्कूटर्स और बाइक्स में, जो कि BS6 मॉडल है। ये बहुत सेफ्टी मेजर के लिए ये बनाया गया है, जो कि बहुत सारे राइडर्स को आप देखेंगे कि वो बाइक स्टार्ट दे देता है बिना स्टैंड उठा के, तो एक्सीडेंट हो भी सकता है, इसलिए यामा ने ये सोच के बनाया है और इंस्टॉल किया है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है ईच एंड एवरी बाइक्स में। आपको बाइक का स्टैंड उठाना ही पड़ेगा फिर यह बाइक स्टार्ट लेगा, वरना नहीं लेगा, जो कि बहुत अच्छा किया है यामा ने। अब आते हैं इस बाइक का वेट, जो कि है 153 kg, जो कि बहुत लाइट वेट बॉडी है। इसके हिसाब से आपको क्या होगा कि आप बहुत आसानी से यह बाइक हैंडल कर सकते हैं, और इस लाइट वेट की वजह से आपको पता ही चल रहा है कि यह बाइक बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने वाला है और बहुत राइडिंग एक्सपीरियंस आपका ज़्यादा होगा। आप ये बाइक लेके आप रेव कर सकते हैं और बहुत हाई स्पीड तक आप इसका एक्सपीरियंस ले सकते हैं। अब देख ही पा रहे हैं नेक्स्ट जो है वो है डुअल चैनल ABS प्लस डिस्क ब्रेक, जो कि फ्रंट में 282mm का है और रेयर का 222mm का है, जो कि बहुत बड़ा डिस्क दिया गया है। और जो ये बाइक जो 250cc का बाइक है, जो जितना भी स्पीड में आप ट्रैवल कर रहे हैं वो आप अगर ब्रेक अब दबाते हैं तो इसका व्हील लॉक नहीं होगा और आपका बाइक स्लो कर दिया जाएगा और रोक दिया जाएगा, जो कि सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा किया है।
अब आते हैं नया जो अपडेट है, वो है 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोक्रॉस सस्पेंशन, जो कि आपका राइडिंग एक्सपीरियंस और भी कंफर्टेबल कर देता है और ये आपका हैंडलिंग भी अच्छा कर देता है और बैलेंस भी अच्छा कर देता है। अब आता है जो कि अंडर कवर जो यामा ने इस बाइक में इंस्टॉल कर दिया है, जो कि पहला वाला मॉडल में नहीं था। इसका वजह यह है कि आप अगर टूर में जाते हैं या एडवेंचर टूर करते हैं या कोई भी आप रेनी सीजन में चलाते हैं तो धूल मिट्टी यह आपके इंजन में लग जाता है और पूरा मैल मैल इतना हो जाता है कि आपका बाइक वॉश करने के बिना आपका बाइक अच्छा नहीं दिखता है। तो इसलिए यह कावल आपको प्रोटेक्ट करेगा धूल मिट्टी से और आपका इंजन को भी प्रोटेक्ट करेगा रस्ट होने से। अब आता है इसका एडवांस्ड मिडशिप मफलर कवर, जो कि बहुत एग्रेसिव दिखता है और एडवेंचरस दिखता है और जो पिलियन है उसका पैर को प्रोटेक्ट करता है हीट से और यह दिखने को भी अच्छा लगता है। इसका जो टायर है 145 mm जो रेयर का है, पीछे का है और ये दोनों ही ट्यूबलेस टायर्स है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि है इस बाइक का माइलेज, जो आपको दे देगा सिटी राइड में 35 किलोमीटर पर लीटर और 42 किलोमीटर पर लीटर दे देगा आप अगर हाईवेज में क्रूज करते हैं या लॉन्ग राइड में जाते हैं। मगर यामा एक चीज़ वो चेंज नहीं किया है, जो कि है उसका 5-speed ट्रांसमिशन गियर, जो कि 6-speed ट्रांसमिशन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 6 गियर अगर दे दे तो इसका हाईवे क्रूजिंग में और भी आसानी से और भी कंफर्ट मिलता, वाइब्रेशन भी रिड्यूस हो जाता और भी आपका स्मूथ और पावरफुल एक्सलेशन आपको राइड करने का एक्सपीरियंस होता। इस बाइक का जो प्राइस है 1,70,000 के नियर बाई हो सकता है और इससे अगर ज़्यादा करता है तो इस बाइक को ख़रीदना मुश्किल हो जाएगा कस्टमर्स को, क्योंकि इसके ऊपर जो भी प्राइसिंग है उसमें और भी सारा अच्छा अच्छा बाइक्स है मार्केट में। इस बाइक का जो भी स्पेसिफिकेशन है वो हम ये वीडियो में डाल दिए हैं, आप देख ही लीजिए इसमें जो भी है, ये पूरा टेबल में सब बना हुआ है। अब आते हैं एक्सेसरीज जो आपको अलग से ख़रीदना होगा, वो है इस बाइक का कवर, इसका USB मोबाइल चार्जर, फिर है टैंक पैड और है इसका सीट कवर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब और हमको सपोर्ट कीजिए बेल आइकन पर क्लिक करके, ताकि आप हमारा जितना भी नया अपडेट्स आता है आपको तुरंत मिल जाए। टिल देन वी साइन ऑफ, टेक केयर एंड बाय बाय।